हेलो बच्चों, आज हम पर्यायवाची शब्दों के विषय में जानेंगे कि जो पर्याय का जो शाब्दिक अर्थ है अन्य या दूसरा, वे शब्द जो भिन्न भिन्न होते हुए भी किसी एक अर्थ को ही वे स्पष्ट करते हैं, सेम वर्ड होते हैं, तो वे पर्यायवाची कहलाते हैं। इन्हें हम समानार्थी या फिर समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं, तो यहाँ हम देखते हैं अग्नि, आग, अनल, पावक, ज्वाला, अच्छा, शुभ, उचित, उपयुक्त, अनुपम, अद्वितीय, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, निराला, अनूठा, असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, अनुचर, सेवक, दास, नौकर, परिचारक, अन्य, भिन्न, पृथक और दूसरा, अरण्य, वन, कानन, जंगल, विपिन, अश्व, घोड़ा, तुरंग, है, बाजी, वाज, घोटक, अमृत, सुधा, पीयूष, अमीर, सोम, अमी। अहंकार, दंभ, घमंड, दर्प, अभिमान, अंधकार, तिमिर, अंधेरा, तम, तिमिस्त्र, अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना, आँख, नेत्र, लोचन, दृग, चक्षु, नयन, विलोचन, आग, पावक, दहन, अनल, आज्ञा, आदेश, निर्देश, हुक्म, आकाश, गगन, आसमान, अंबर, नव, अनंत, शून्य, व्योम, आभूषण, अलंकार, भूषण, गहना, जेवर। आभूषण मतलब जो गहने होते हैं, जो चाहे वो साहित्य को जो अलंकार हैं वो उन्हें सुशोभित करते हैं, या फिर स्त्री का गहना हो वो भी उसको सुशोभित करती है। आनंद, आमोद, प्रमोद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी। इंद्रदेव, सुरपति, देवेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, देवेश, सुरेश। इंद्रपुरी, देवलोक, स्वर्ग, देवपुरी, अलकापुरी। इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, लालसा, कामना, चाहत। ईश्वर, ईश, भगवान, परमात्मा, प्रभु, जगन्नाथ, जगदीश, परमेश्वर, दीन बंधु। उन्नति, उत्थान, विकास, प्रगति, अभ्युदय, उत्कर्ष। उद्यान, बाग, बगीचा, फुलवारी, उपवन, वाटिका। कपड़ा, वस्त्र, पट, अंबर, वसन, चीर। कमल, जलज, अंबुज, नीरज, पंकज, वारिज, अरविंद, सरसिज, नलिन, राजीव, सरोज। कामदेव, मदन, मनसिज, मनोज, पंचसर, रतिपति, अनंग। तो आपका ये पहला सेट ये हुआ। इसके बाद हम आपके चार पांच सेट और भी बनाएंगे और आप थोड़ा थोड़ा इसको अच्छी तरह से समझ के याद करेंगे, क्योंकि जो शब्दावली हमारे पास जब अधिक से अधिक होती है तो हम और भी अच्छा काफ़ी कुछ हिंदी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको है ना इजीली ये समझ में, फर्स्ट वाला सेट समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।